दिल्ली में फिर हुई भैंसों की डकैती। भैंसों के मालिक को हाथ पांव बांध कर एक कमरे में बंधक बनाकर चार भैंसे लूट ले गए डकैत। डकैतों का कैंप सीसीटीवी में हुआ कैद। हर बार की तरह इस बार भी डकैत पुलिस की पकड़ से बाहर। भागते हुए डकैतों ने कई राउंड फायरिंग भी। घटना नॉर्थ वेस्ट जिले के थाना स्वरूप नगर एरिया की। दिल्ली में भैंस लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी है। अधिकतर मामलों में पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर इतिश्री कर देती है, लेकिन वास्तव में यह चोरियां नहीं बल्कि डकैती होती है, क्योंकि 8 से 10 लोगों का झुंड हथियार लेकर आता है और विरोध करने वाले को गोली भी मार देता है। दिल्ली की कई घटनाओं में भैंस लुटेरों ने भैंस मालिकों को गोली भी मारी है। इसी महीने बख्तावरपुर में भैंस मालिक के छाती में गोली मारी गई थी, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। बीती रात नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के थाना स्वरूप नगर एरिया के केशव नगर कॉलोनी में इस भैंस के तबेले में कुछ लोग पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और अंदर मौजूद गुलबीर राठी नाम के शख्स को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। गुलबीर के हाथ पैर और मुंह बांधकर घास फूस के एक कमरे में डाल दिया और चारों भैंसों को गेट खोलकर इन लुटेरों ने आगे लगे टेम्पू में चढ़ा लिया। इसी बीच कुलबीर राठी ने भी अपने मुंह से अपनी रस्सियां खोली और इन डकैतों के पीछे ईंट पत्थर लेकर भागा तो उस पर फायरिंग कर दी। देखिए सीसीटीवी में फायरिंग के बाद लुटेरों के पीछे भागता हुआ शख्स अपनी जान बचाकर भागता है। उसके बाद कॉलोनी में शोर किया लोग, तब तक देखिए यह टेम्पो यहाँ से फरार हो गया। यहाँ से लुटेरे चार भैंस लेकर फरार हुए हैं। चारों भैंसों मोनू जी क्या हुआ था बीती रात, कितने चोर आए और कितनी भैंस लेके गए? यहाँ से ये बीती रात की घटना है 2:40 की। 2:40 पे यहाँ पे आते हैं, कम से मतलब एक ट्रक आता है, ट्रक में थे 8-9 बंदे। ठीक, उन्होंने हमारे साइड में पीछे ही खाली पड़ा है प्लॉट, प्लॉट की वैसे काफी सारी प्लॉट है, उसमें खड़े उन्होंने अपना प्लॉट खड़ा किया और एक बंदा उन्होंने अंदर भेज दिया मकान में। ठीक, दीवार तोड़ के उधर दीवार भी फटी पड़ी है। उसके बाद वो बंदा अंदर आता है, उसने आराम से आके कुंडी खोलता है। कुंडी खोलने के बाद तुरंत ही जस्ट एकदम बाहर से चार बंदे और आ जाते हैं अंदर, जिनके पास हथियार थे। तो उन्होंने पांच बंदे हो गए, पांचों ने आके जो भाई था उसको बांध दिया रस्सियों से और बांध के उनको मतलब बार बार मारपीट भी की उनके साथ, गाली गलौज भी किया। उसके बाद उन्हें साइड में डाल के ऊपर से कपड़ा डाल दिया और इसी मतलब दौरान फिर उन्होंने यहाँ से भैंसे खोलनी शुरू की। भैंसे थी हमारी मतलब चार भैंसे, चारे भैंसे खोल के और फिर बाद में भी चलते टाइम उन्हें मारपीट की। मारपीट करने के बाद जैसे वो बाहर गए, फिर इधर से भाई जो है गेट वगैरह खोल के अपने हाथ पैर खोल के बाहर भाजा, तो जैसे उनके पीछे भाजा उन्होंने फिर पिस्टल से फायर भी की। उसके बाद भाई फिर वापसी आया, उसने कॉलोनी वगैरह मतलब कॉलोनी वगैरह में सबको बुलाया तो कोई नहीं आया यहाँ पे। तो फिर इसके उससे आगे चल के हम भी मतलब बाहर आए, फिर थोड़े बहुत कॉलोनी वाले आए, जब तक मतलब वहाँ जाते हो ट्रक वाला वहाँ से चले गए थे अपना भैंस। सीसीटीवी भी कोई सामने आया इस मामले में? इसमें हाँ, एक सीसीटीवी है कॉलोनी में कोने पे, उसमें हमने फुटेज देखी है। उसमें गाड़ी का नंबर तो नहीं है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी में बंदे दिख रहे हैं। कौन सी गाड़ी है? गाड़ी 407। आपसे पहले भी यहाँ पे चोरियां हुई है भैंस की? हाँ, आपसे पहले भी मतलब साइड में जो कॉलोनी है वहाँ पे भी हो रही है। पुलिस का क्या रवैया था, पुलिस आती है नहीं आती? पुलिस का क्या कहना जी भाई, पुलिस तो वही है मतलब अपना लिखे पड़ी करके चली जाती है। हाँ भाई ठीक है, कि देख का वारदात को क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे कोई इनका कोई मतलब जो है एक्शन वगैरह कुछ नहीं चल रहा।